इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद में अलीगढ़ कस्बे इगलास में गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया ताबड़तोड़ पथराव। पथराव में कोतवाल इगलास बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेजा गया, जिसके बाद सीओ इगलास पंकज श्रीवास्तव द्वारा अभियान चलाकर दर्जनों उपद्रवादियों को थाना इगलास लाया गया। बताते चले कि पूरा प्रकरण क्या था। दरअसल साधनी ग्रामीण बैंक के सामने कुछ लोगों द्वारा रोड जाम कर दिया गया। पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने जाम नहीं खोला, उल्टा गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उसके बाद लोगों ने बाजार बंद कर दिया। परवान 200 रुपए मांगे, इसमें जो कदी भी मुफ्त मजबूरी है, जो हमें कोई सुनती ना है, वो इतना चले जाए फिर भी लागना हो तुम्हें इलाज को। मैं तो कमजोर आदमी हूँ ना, आठ महीने थे छतांग ना मिले। हमारे साथ राशन ना है मिले और राशन कार्ड बना के थे दूरी को डीलर सतीश ने, ये कहता है सर तुम्हारे राशन वो कार्ड ही ना है, तो काम ब्लैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो अपोजिट आ रहे थे कहाँ उन्हें ना मिल लो। सर यहाँ पे राशन डीलर का कोई मामला है उनका आपस का, इसलिए यहाँ जाम लगा था, इसी में पथराव हुआ है। बैंक बंद कहाँ कर दी, वो तो मुंह देखते हुए भीड़ थी, मॉब की वजह से एहतियात बढ़ता है, वैसी कोई बात।